So, hello young ones, I am your English trainer Pooja. Welcome you to my class of book, your English book, Grammar Glitter Odyssey of Grade 5 by Brain Road. You know it's a product of Amit Publishing House. So today we will start chapter number 17 of our book, Changing kinds of sentences, बदलते हुए वाक्य, कैसे हम बदल देते हैं वाक्यों को, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. रिटेक्ट. यू हैव लर्न दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव, इंटरोगेटिव, बहुत तरह के सेंटेंसेस हम लोगों ने सीखे हैं. तो अब कैसे इन्हें चेंज करना है, अगर हमें इन्हें चेंज करना है तो अब चेंज क्या करना है वो हम पढ़ेंगे. यू हैव लर्न दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, बट डिड यू नो दैट इट हैज पॉसिबल टू चेंज अ वन काइंड ऑफ सेंटेंस टू अनदर. तो क्या आपको पता है कि आप एक सेंटेंस मैंने आपको दिया तो आप उसको दूसरे उसमें बदल भी सकते हो, कैसे? चलिए पढ़ते हैं इसे. पॉजिटिव सेंटेंस टू नेगेटिव. हमने क्या करा, पॉजिटिव को नेगेटिव में बदल दिया. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेट समथिंग डिक्लेरेशन. जो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था, इसमें हमको डिक्लेयर करते हैं. आई एम अ टीचर. मैं एक टीचर हूं, जैसे मैंने आपको कहा आई एम अ टीचर, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट अ टीचर. हमने नॉट लगा के इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल. द बेबी इज अस्लीप, पॉजिटिव. अ बेबी इज नॉट अस्लीप, नेगेटिव. द ट्विंस आर 5 years old, द ट्विंस आर नॉट 5 years old. द चिल्ड्रन वर एट द फेयर यस्टरडे, द चिल्ड्रन वर नॉट एट द फेयर यस्टरडे, बाय एडिंग नॉट आफ्टर द वर्ड एम इज आर एंड वर. We can positive sentence to negative sentence. तो हमने क्या करा, by adding not, किसकी जगह is not, am not, are not और were not क्या के आगे हम not लगा के इसको क्या change कर सकते हैं, हम इसको negative में change कर सकते हैं. चलिए आते हैं इसकी exercise पे, आ जाते हैं directly friends. By adding not after the am, is and are, we change positive sentence to negative. Now read these sentences. The boys are playing cricket. The boys are not playing cricket. I am reading a mystery novel. I am not reading a mystery novel. मैं नहीं पढ़ रहा हूँ. Am की जगह not लगा दिया. आपने boys are की जगह भी are के आगे not लगा दिया. Sorry. She has been to London. She has not been to London. We will go home now. We will not go home now. हमने not लगा के हमने इन सब को negative sentences में convert कर दिया है friends. Not लगा के बस. तो आ जाते हैं इसकी exercise पे ताकि हम और अच्छी तरह समझ सकें. All the positive sentence in the example contain a helping verb. एक helping verb यहाँ पे जरूर है and a main verb. We from negative sentence by placing not between. तो हम दोनों को negative, एक verb और दूसरे के verb के बीच में हम negative जो है करने के लिए not लगा देते हैं. The helping verb and the main verb. Now observe how sentences in simple present tense are changed in negative. पर अब देखते हैं कि simple present tense की जहां बात होती है वहां पे कैसे करेंगे. I drink milk every day. I do not. यहाँ पे क्या हो जाएगा, do not आएगा. किसमें, एवरी डे, जो मैं रोज करता हूँ, रेगुलरली हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट है. तो आई डू नॉट, ही स्पीक्स, ही डज नॉट स्पीक. लेट अस सी हाउ सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस. और अगर पास्ट टेंस की बात होती है, आई ड्रैंक मिल्क, मैंने मिल्क पी लिया, आई डिड नॉट ड्रैंक मिल्क. ही स्पोक फ्लुएंटली, ही डिड नॉट स्पोक फ्लुएंटली. व्हाट डू यू नोटिस, वी एड डू डज और डिड along with not. यहाँ पे आपने क्या नोटिस करा, हमने सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करा है, हमने ऊपर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने डू और डस लगाया है और पास्ट टेंस में हमने डिड लगाया है. इन रूल्स को फॉलो करते हुए आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर. टास्क.
चेंज दीज पॉजिटिव सेंटेंसेज इंटू नेगेटिव. आई लाइक वॉचिंग मूवीज रेगुलरली हम करते हैं तो आई डू नॉट, डू नॉट आ जाएगा यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. आई डू लगा देंगे डू के साथ नॉट. आई डू नॉट लाइक वॉचिंग मूवीज. दे फिनिश द प्रोजेक्ट, पास्ट की बात हो रही है. दे डिड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट. यू आर क्लेवर, सिंपल है डिक्लेरेशन. यू आर नॉट क्लेवर. लीजा वर्क्स एट द फार्मेसी रेगुलरली है. लीजा डू नॉट वर्क एट द फार्मेसी. माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टूगेदर. हम जा रहे हैं. माई फ्रेंड्स एंड आई आर नॉट गोइंग ऑन अ ट्रिप टूगेदर. दिस स्टोरी इज इनकम्प्लीट. दिस स्टोरी इज नॉट इनकम्प्लीट. डिक्लरेशन है सिंपल. वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे. वी डू नॉट. Sujata bought flowers from the Sujata bought flowers from the florist. क्या कर रही है प्रेजेंट Sujata? Do not bought flowers from the florist. Change these sentences as instructed. Manisha is not playing outdoor. Positive. Manisha is, यहाँ पे not कट जाएगा. This notebook belongs to Karan. This notebook do not belongs to Karan. क्या आ जाएगा यहाँ पे? दिस नोटबुक डू नॉट बिलोंग टू करन. द गर्ल्स वर जंपिंग. द गर्ल्स वर नॉट जंपिंग. पॉजिटिव करना है, नॉट हट जाएगा. द कैट इज अंडर द टेबल. कैट इज नॉट अंडर द चेयर. सॉरी, द कैट इज नॉट अंडर द चेयर. तो ऐसे ही आपको पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप नॉट लगा दीजिए, डू नॉट या डिड नॉट, जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू द टेंस. और अगर आपको जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में लाना है तो उसको नॉट को या फिर डू नॉट डिड नॉट को हटा दीजिए. सिंपल है. स्टेटमेंट टू इंटेरोगेटिव. सीधा इंटेरोगेटिव पे आ जाते हैं. दिस टेबल इज माइन. इज दिस टेबल माइन? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. आर द चिल्ड्रन प्लेइंग? त्रिशा वॉज इल लास्ट वीक. वॉज त्रिशा इल लास्ट वीक? तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे क्या आ जाता है? पहले आ जाएगा आपका इज. एक पैटर्न चल रहा है. आर वॉज त्रिशा इल लास्ट वीक? ऑल द स्टेटमेंट इज द अबव पेयर्स यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इज आर वॉज. व्हेन वी कन्वर्ट स्टेटमेंट विद द वर्ब्स is, I am, are, was, were into interrogative. जहाँ पे is, am, are, was, were आता है तो क्या होता है? We place the verb before the subject. हम subject के आगे ला के रख देंगे verb को. Simple, वो question में convert हो जाएगा. Karan has arrived. Has Karan arrived? Mansi and Madhav are going. So are Mansi and Madhav going to London? Statement that have helping verb and the main verb change into interrogative form by placing between. दोनों के बीच में आ जाता है. आप क्या करिए? सब्जेक्ट को बीच में ले आइए. चलिए आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे. Observe the changes with statement in the simple tense. Raghav and Aman play cricket well. Do Raghav and Aman play cricket well? Parul exercise for an hour daily regularly. जो हो रहा है कैसे करेंगे? Do पहले लगा देंगे. So now look at the sentences when statement is in simple present past tense में. यहाँ present tense की बात कर रहे हैं friends और नीचे past tense की बात हो रही है. Are changed into sentence. They won the match yesterday. Did they win the match yesterday? सबसे पहले तो did आ गया पहले और won का हमने कर दिया win. First form लगा दी. The dog ate the bone. Did the dog eat the bone? While changing the statement क्या करा है? Did पहले लगा दिया. Verb जो है आपका पहले आ गया है. And the main verb भी हमने क्या कर दिया? Add कर दिया. Do, does, did. कहाँ पे? And before the subject. Subject के पहले हमने लगा दिया. And the main verb in it base. और जो verb है उसकी बिल्कुल base form ली है. That is first form. Let's start the task. Change these statements into interrogative sentences. Sonal is having toothache. क्या हो जाएगा? Verb से पहले जो है subject से पहले आप is लगा दीजिए. Is Sonal having the toothache?
The beggar is asking for something to eat. Is beggar asking for something to eat? The cheetah is running after the bug. Is the cheetah running after the bug? The animals are searching for water. Are animals searching for water? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? Subject से पहले आपका आ जाएगा is या फिर are. So like this you can convert the sentence into interrogative sentence. Statements to exclamatory statements. आपको क्या करना है? Exclamation mark आपको देना है. We have learned that exclamatory sentences shows emotions or surprise. Wow, hooray, ये ने आपको पढ़ाया है. तो कैसे चेंज करेंगे? This is beautiful dress. What a beautiful dress it is. It is bright sunny day. What a bright sunny day it is. It's nice to see you. How nice to see you. तो आपको क्या करना है? इनमें इमोशंस के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको शो करना है. चेंज योर सेंटेंसेस एज इंडिकेटेड. शी कुक्स वेल. Is she cooks well? या फिर आप इसको do she cooks well? आप इसको interrogative question form में change करेंगे. Pooja lost her earrings. क्या आएगा? Is Pooja lost her earrings? क्या उसने अपने earrings खो दिए? He went to a beach yesterday. तो क्या हो जाएगा इसका? Is he went to a beach yesterday? आपको question form में convert करके इसमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है. श्रेया इज वेरी हैप्पी. तो हैप्पी में क्या बोलते हैं? वाओ, श्रेया इज वेरी हैप्पी. सो संध्या एंड करिश्मा सिंग्स वेल. वाओ, संध्या एंड करिश्मा सिंग्स वेल. लाइक दिस यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.